वीडियो बीच में डिसकनेक्ट हो गया था। वीडियो था इसलिए आपके लिए फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट है नो व्हाट एंड व्हेन टू स्पीक। ये भी जान ले कि क्या और कब बोलना है। ये बहुत अच्छे से आपने रिहर्सल करी है, सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छा ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पर सटीक बोलिए, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं। अगला पॉइंट है इंटरव्यू मोड। आप किस मोड में रहेंगे? इंटरव्यू मोड में रहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे डिसेंट होना है, मुझे अच्छी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करनी है, मेरी वॉइस ऑडिबल होनी ज़रूरी है, स्ट्रेस फील बिल्कुल नहीं करना है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सही ढंग से रिप्लाई करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, डू नॉट वेस्ट टाइम। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट बोलना है। आपसे पूछा जाए, जवाब आता है तो बताना है, नहीं आता है तो आप स्किप कर दीजिए। डोंट वरी टू टेक टेंशन एंड डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ एग्जामिनर बिकॉज ही हैज़ टू टेक मोर इंटरव्यूज। कस्टमाइज योर आंसर्स। आपके आंसर रिलेवेंट होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उनमें होनी ज़रूरी है। और आंसर्स क्वेश्चन को पहले सुनना है, उसके बाद अच्छे ढंग से आंसर देने हैं। जो पॉइंट है 16th, मेंशन योर स्ट्रेंथ। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे आपकी वीकनेस पूछी जाती है। आप वीकनेस पूछी जाएँ तो आप उसके साथ स्ट्रेंथ भी बताने की आदत डालें। और आपको पूरा वीडियो पता होगा जिसमें हमने SWOT एनालिसिस किया है। SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड आई होप दैट यू विल एन्जॉय दैट। डिफाइन योर करियर गोल्स। आपका करियर क्या है और कंपनी की प्रोफाइल क्या है, दोनों को मैच करते हुए अपना गोल सेट करिए और उस गोल तक अपने एग्जामिनर को लेकर के जाइए। इंटरव्यूअर को बताइए कि मेरे ये गोल्स है, 1 ईयर गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स है, इन गोल्स तक मैं पहुंचूंगा और कंपनी को भी वहां लेकर के जाऊंगा। 18th आता है फॉलो द इंटरव्यूअर्स लीड। जहां जहां इंटरव्यू आपको लेकर के जा रहा है, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। सो यू हैव टू गिव द चांस टू लीड द इंटरव्यूअर। 19th, आस्क द राइट क्वेश्चंस। आपने बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर दिए, बट आपको भी राइट होता है, आप भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट आपको क्या करना है, राइट क्वेश्चंस ही पूछने हैं। ऐसा मत पूछ लीजिएगा कि मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, सब सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। नो, यू कैन आस्क इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज रिगार्डिंग टू द कंपनी, कंपनी प्रोफाइल एंड योर जॉब स्ट्रक्चर्स, सो दैट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। स्टे मोटिवेटेड। इन 20 टॉपिक्स में सबसे मोस्ट जो टॉपिक था, जो एक नंबर पे भी होना चाहिए, स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। यू हैव नॉट टू टेक एनी टेंशन, एनी वरी एंड ट्राई टू स्टे मोटिवेटेड योर सेल्फ एंड ट्राई टू आंसर इन अ बेटर मैनर। एंड इफ यू विल आंसर इन अ राइट वे एंड मोटिवेटेड थिंग, यू विल बी सेलेक्टेड। द चांसेस ऑफ सेलेक्शंस आर मोर देन दिस। So be motivated and never take tension. So the next point is, and the last point is, show gratitude. Ladies and gentlemen, without showing gratitude, you are not doing something better. And on gratitude, I have also made a full video. आप gratitude दिखाइए, examiner के प्रति दिखाइए, उनके तौर तरीके के प्रति भी आप कह सकते हैं, and feel highly obliged with your words. Thanks a lot. I really had a good time with you. Nice talking to you. Thank you. See you. ऐसा कहकर के आप अपने ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं. Well, so these were the topics from 11 to 21. इसी तरीके से इंटरव्यू आप दीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए और पूरा का पूरा पैनल बिठाइए, अपने दोस्तों को ले लीजिए मॉक इंटरव्यूज़, और यदि आपको ऑफलाइन इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी है तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इंस्टीट्यूट ड्रीम टच एकेडमी एक टीम के साथ आपको तैयारी देता है, और उस तैयारी के लिए आपको रेगुलर आना होता है, और हमने कोर्स को 3 महीनों में डिवाइड कर रखा है, और हम मानते हैं सहज पके सो मीठा होए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप आइए, तैयारी करिए, रोज़ मॉक इंटरव्यूज, मॉक टेस्ट दीजिए और सेलेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। तो मिलते हैं फिर से
एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए हर बार की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग. डेफिनेटली आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग. बाय.